वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि सचिव ने बताया कि प्रदेश में सभी किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों की जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए किसान पाठशाला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए किसान पाठशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मंगलवार को ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। 40% से 60% तक ही रेट फॉल हुई है। मैं उनके नाम आपको बता दे रहा हूँ, आगरा, बागपत, एटा, हरदोई, उन्नाव, शामली, हाथरस, अमरोहा, अलीगढ़, फरुखाबाद, कानपुर देहात, मोसाम्बी, रामपुर, बुलंदशहर। चार जिले ऐसे भी हैं जिसमें बहुत ही कम पानी बरसा है, 40% से भी कम बरसात हुई है। ये जिले हैं महोबाद, मुबरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर। इन जिलों के अधिकारी इस चीज को देखते हैं कि अब हमें कंटीजेंट प्लान की तरफ सोचना पड़ेगा, उसके बीजों की व्यवस्था, उसकी प्लानिंग, उसके लिए अवेयरनेस, अलार्मिंग और किसानों तक वैकल्पिक नीतियाँ, ये आपको बना करके किसानों को तैयार करने के लिए प्रेरित कर देना होगा, ताकि अगर अगस्त के महीने में 15 अगस्त तक और स्थिति खराब होती है तो आप कंटीजेंट प्लान पर शिफ्ट कर जाएं। जो वर्तमान में जो सामान्य आपका कार्यक्रम चल रहा है उससे आपको सिर्फ स्विच ओवर करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, ये जिले कृपया इसको देख लें, नोट कर लें और स्विच कर जाएं उसपे कंटीजेंट प्लान पर। 500 से 1000 लीटर पानी में घोलना है तो कैसे घोलेंगे, ये चीज जो है ये हमें किसान को बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए। मैं किसान पास भी देनी होगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देनी होगी। इसके लिए जहाँ जो संभव हो सके जिस क्षेत्र में, वो आप प्रयास करिए कि हम उसको कर सकें। जैसे लेजर लेवलर का कैसे कैलिब्रेशन करेंगे, कैसे सेट करेंगे, नारे पर रखेंगे, फिर उसको कैसे ट्रैक्टर ऑपरेट करेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे उस पर ऑन ऑफ करेंगे, मतलब तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आप देखनी होगी। अगर जहाँ जो चीज़ें उपलब्ध हैं, ये मैं चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें हर जिला कोई एक चीज़ को तो कम से कम करे और उसका डॉक्यूमेंटेशन कर। डॉक्यूमेंटेशन हमारे विभाग का काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन तो वो हम दिखा सकते हैं, दूसरे प्रदेश हमसे सीख सकते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, अब हमारे अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे फैसल हमारे जब पास आ होते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम अच्छा जाता है। तो लगातार ये चर्चा चलती रहेगी सभी के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निदेशक महोदय ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया है। जो ये किसान पाठशाला हम लोग शेड्यूल किए हुए हैं, ये एक विशेष स्थितियों में हो रही है, गंभीर स्थितियों में COVID-19 की। तो ये किसान पाठशाला जो हम आयोजित कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को आयोजन करने की पूरी प्रक्रिया में सावधानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, सुरक्षा की बात की जा रही है, इसको हमें पहले सामने रखना है। कोरोना काल में कृषि कार्यकर्ता करते समय आने जाने वाली जो सावधानियाँ हैं उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कृषि कार्यों को करने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से नियमित रूप से धोते रहें। यह पहले भी बताया जा रहा है, शुरुआत में बार बार चर्चा की जा रही है और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की बात कही जा रही है, तो इसे हमें बार बार अपनाना होगा, लगातार इस पर नजर रखनी होगी। दूसरी चीज़ यह है कि कार्य करते समय हाथ और नाक को न छुआ जाए और मास्क जो है उसका प्रयोग किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की हमने, ट्रेनिंग करने की प्रक्रिया में इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, इसीलिए ग्रुप की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है, 30 से 35 किसानों का ही हम करेंगे। और उसमें सर जो है हम दो गांव में, एक ग्राम पंचायत के दो गांव में लेंगे और उसमें दो दो दिन के दो मॉड्यूल चलाएंगे, एक ग्राम सभा में कि दो दो दिन के दो मॉड्यूल
और जैसे कि पहला था दो ग्राम तो वहाँ में हर ग्राम पंचायत की दो दो ग्राम तो वहाँ होता था, तो इसमें हम जो है चार दिन के बजाय दो दो दिन के दो मार्ग चलाएंगे, इसका प्रोग्राम हमने जारी किया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से ही दो ग्रुप बनाए गए हैं ताकि आप उसमें किसानों को आप एडजस्ट कर सकें और सुरक्षा के साथ एड्रेस कर सकें। अभी प्रमुख सचिव साहब आए थे तो उसके बारे में और भी संख्याएं जाएगी थी, तो हम उसके बारे में भी प्रमुख सचिव आएंगे महोदय आएंगे तो उनसे चर्चा होगी। मास्क का प्रयोग जो है बहुत जरूरी है, गमछा या दुपट्टा है, मास्क नहीं है तो गमछा या दुपट्टा का प्रयोग किया जाए और करीब से करीब का हम आकर के कर सकते हैं भी बच्चे की स्थिति में आ जाएगी। तो एक मौसम बनाता सफाई मलाई का चल रहा था, जहाँ पर प्राथमिकता दी जाए